नंबर 6 पे है। इंडिया की 47% पॉपुलेशन के पास बाइक की ओनरशिप है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे आप सब? मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? खैरियत से? और मेरा नाम है सुहान कुरैशी, वेलकम टू अवर चैनल। वो सॉरी, मैं देख रहा था कि माइक लगा नहीं, मतलब चल रहा है, नहीं चल रहा है? माइक तो चल रहा है, बिल्कुल अच्छा। चल रहा है। अच्छा, तो व्यूअर्स कैसे आप सब लोग? खैरियत से? मेरा नाम है सुहान कुरैशी, वेलकम टू अवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़े मजे की होने वाली, क्योंकि जो जो बाइक वाले व्यूअर्स है ना, मतलब जो जो बाइकर्स है और जिनको बाइक पसंद है, तो यार वो पहले हाजिरी लगाए। चाबी कहाँ है? लाइक करें, क्योंकि आज जो वीडियो है ना वो स्पेशली उन्हीं के लिए है, क्योंकि आज जो हम लोग कंपैरिजन लेकर आए, मतलब बहुत जबरदस्त कंपैरिजन है, कंट्री कंपैरिजन है, मतलब पाकिस्तानी बाइक्स हैं, इंडियन बाइक्स हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। और मजे की बात यह है कि 2022 की वीडियो है ये, मतलब बाद में चला बातें वगैरह करेंगे। और हाँ यार, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जिन लोगों ने किया हुआ, तो लाइक और शेयर कमेंट, जितना प्यार जितनी मोहब्बत देना चाहते दिल कॉल कर दे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले वीडियो भी शुरू कर लेते, बाद में चला बातें वगैरह कर लेते। लेकिन यार मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो बाइक्स चल रहे हैं वो होंडा ब्रांड से चल रहे हैं, यामा YBR बहुत ऑसम आया हुआ है। और इंडिया की बात करें तो KTM है वहाँ का, बाकी आगे चलते हैं। तो पहले वीडियो को देख लेते क्या है यार, फिर रिव्यू देते हैं दोनों इंशाल्लाह। व्यूअर्स, वेलकम टू दिस कंपैरिजन वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडियन बाइक्स को पाकिस्तानी बाइक्स के साथ। तो वीडियो के सभी फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंडिया में 305 मिलियन टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं और 75 मिलियन टोटल रजिस्टर्ड मोटर बाइक्स हैं। इंडिया में एक साल में 20 मिलियन से भी ज्यादा बाइक्स सोल्ड होती हैं। इसके अलावा बाइक ओनरशिप कंट्रीज में इंडिया नंबर 6 पे है। इंडिया की 47% पॉपुलेशन के पास बाइक की ओनरशिप है। पाकिस्तान में 60 मिलियन टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं और 19 मिलियन टोटल रजिस्टर्ड मोटर बाइक्स हैं। पाकिस्तान में एक साल में 1 मिलियन बाइक्स सोल्ड होती हैं और बाइक ओनरशिप कंट्रीज में पाकिस्तान नंबर 7 पर है। पाकिस्तान की 43% पॉपुलेशन के पास बाइक की ओनरशिप है। इंडिया में बाइक बनाने वाली टॉप 5 कंपनीज में नंबर 1 पे है हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड, नंबर 2 बजाज ऑटो लिमिटेड, नंबर 3 TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, नंबर 4 इंडिया यामाहा मोटर्स और नंबर 5 पे है रॉयल इनफील्ड। इसके अलावा इंडिया की टॉप 5 मोस्ट सेलिंग बाइक्स में नंबर 1 पे है हीरो स्प्लेंडर, नंबर 2 होंडा शाइन, नंबर 3 हीरो HF डीलक्स, नंबर 4 बजाज प्लेटिना, नंबर 5 बजाज पल्सर 125। पाकिस्तान में बाइक बनाने वाली टॉप 5 कंपनीज में नंबर 1 पे है यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज, नंबर 2 एटलस होंडा लिमिटेड, नंबर 3 पार्क सुजुकी मोटर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 4 यामाहा मोटर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड और नंबर 5 पे है DYL मोटरसाइकिल्स लिमिटेड। इसके अलावा पाकिस्तान की टॉप 5 मोस्ट सेलिंग बाइक्स में नंबर 1 पे है रोड प्रिंस 70, नंबर 2 होंडा CG 70, नंबर 3 होंडा CG 125, नंबर 4 यामाहा YBR 125 और नंबर 5 पे है यामाहा YB 125Z। इंडिया में 130 से भी ज्यादा बाइक्स बनाने वाले ब्रांड्स हैं। इंडिया में एक एवरेज बाइक की प्राइस 45,000 इंडियन रुपीस है। इंडियन बाइक्स को बनाते हुए डिजाइन और स्पीड का खास ख्याल रखा जाता है और यही वजह है कि इंडियन बाइक्स फास्ट और स्पोर्टी लुक्स की होती हैं। इंडिया में एक एवरेज बाइक की वर्किंग लाइफ 8 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स की होती है और इंडियन मार्केट में सबसे महंगी बाइक डुकाटी 1299 सुपर लेग्रा है। इस बाइक की प्राइस 1 करोड़ इंडियन रुपीज से भी ज्यादा की है। पाकिस्तान में 100 से भी ज्यादा बाइक्स बनाने वाले ब्रांड्स हैं। पाकिस्तान में एक एवरेज बाइक की प्राइस 57,000 पाकिस्तानी रुपीस होती है। पाकिस्तानी बाइक्स में सबसे बड़ा की फीचर फ्यूल एफिशिएंसी है। इस वजह से पाकिस्तानी बाइक्स कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। पाकिस्तान में एक एवरेज बाइक की वर्किंग लाइफ 6 से 14 ईयर्स की होती है और पाकिस्तानी मार्केट में सबसे महंगी बाइक है अप्रीलिया RSV 1000R। इसकी प्राइस 50 लाख पाकिस्तानी रुपीज से भी ज्यादा की है। तो ये थी आज की कंपैरिजन वीडियो, जिसमें हमने कंपेयर किया इंडियन बाइक्स को पाकिस्तानी बाइक्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।
Thank you so much for watching this video. See you again in the next comparison. Until then, keep watching Fact Now. जी तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। छोटा सी वीडियो थी, छोटा सा कंपैरिजन था। मतलब यार इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं ये देख रहा था। मतलब बजाज ब्रांड्स है, हीरो स्प्लेंडर की बात कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम सुपर बाइक्स की बात करें तो KTM उनका तो चल ही रहा है बहुत जबरदस्त। लेकिन हीरो ब्रांड्स के मैं देख रहा था, यामाहा वहां का चल रहा है ब्रांड, हीरो होंडा वहां का चल रहा है ब्रांड। और इस तरह की अगर बात करें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में यूनाइटेड में देख रहा था, यूनाइटेड कंपनी जो है वो बड़ी ऊपर आ गई यार। मतलब यूनाइटेड एक चाइना की कंपनी थी, लेकिन यार होंडा का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हाँ, एक बात ये है कि क्योंकि हर घर में इस टाइम जो ज्यादातर जो बाइक्स चल रहे हैं वो यूनाइटेड ही चल रहे हैं, यूनाइटेड चल रहे हैं बिल्कुल। होंडा की बात करें, होंडा के ब्रांड बहुत सारे हैं, 125 है, 70cc है, 100cc है। और अगर बात करें यामाहा की, तो यामाहा में जो अभी ब्रांड आया है, जो अभी लॉन्च हुआ है, जैसे YBR आया है, ठीक है, मतलब कुछ ही साल हुए इसको। क्योंकि यामाहा एक ऐसी कंपनी थी ना कि यामाहा मतलब इंडिया में तो मोस्ट फेवरेट चल ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान का इशू ये था कि पाकिस्तान के अंदर यामाहा जो है ना वो 2 स्टॉक और 4 स्टॉक के चल रहे थे, जो ज्यादातर दूध वालों के पास है। वो आपको शुरू से गिरा रहा है यार, मैं पता क्या देखता हूँ, क्योंकि यामाहा 2 स्टॉक और 4 स्टॉक इतने स्ट्रॉन्ग मोटरसाइकिल उन्होंने बनाए थे ना, लेकिन अफसोस के वो बेचारे सिर्फ दूध वालों ने लिए, बाकी और किसी ने लेना ही पसंद नहीं करते। क्योंकि यार वो पैन मतलब वो चलाना, तो वो बाइक ऐसा फील होता है इंसान को कि यार इंसान बड़ा दुखी मिजाज का बंदा है, या दूध वाला या इंसान की जिंदगी अजीब और गरीब है। वो बाइक अब ऐसे ना कि वो हर बंदे दूध वाले के पास है, लेकिन यामाहा ने पाकिस्तान के अंदर इस तरह एक कंटिन्यू किया अपनी लाइफ को, जैसे अपने बिजनेस को, स्पेशली YBR बना के, YB2 बना के, 125 यामाहा का, 150 यामाहा का। और सुजुकी की बात करें, सुजुकी को तो लोगों ने बोल ही गए थे कि यार सुजुकी अब आएगा, लेकिन 150 सुजुकी जो इन्होंने लॉन्च किया है यार, मैं ये देख रहा था ऑसम बाइक लेकर है यार। क्या उसकी फ्यूल एवरेज है पाकिस्तान में, सबसे अच्छी बात बताऊं बाइक का क्या इशू है, फ्यूल एवरेज बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा फ्यूल एवरेज है। अगर एक 70 बाइक है ना, मतलब नॉर्मल उसकी एवरेज जो है वो 60-70 किलोमीटर पर लीटर करता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो बाइक्स है ना उनकी फ्यूल एवरेज नहीं है। खूबसूरती तो है, शाइनिंग तो है, बॉडी बहुत जबरदस्त है, स्पोर्ट्स लाइक देते हैं, लेकिन उसकी एवरेज कम है। पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती नहीं है बाइक की, ठीक है, एक सिंपल सा मॉडल बनाया है, साइकिल को थोड़ा सा एक मोटरसाइकिल बना दिया है, मतलब एक साइकिल के अंदर एक थोड़ा सा डिजाइन नॉर्मल बना दिया, लेकिन इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ज्यादा है। ये मैं बात करने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बाइक्स है ना, जो लोग कहते हैं यार ये पाकिस्तान के बाइक बिल्कुल आम से है यार, बिल्कुल एक लोकल से है, बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि कोई खूबसूरती नहीं है पाकिस्तान के बाइक में, लेकिन पाकिस्तान की एवरेज बहुत अच्छी है, और ये एवरेज अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल यही बात है, ताकि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सके कम पैसों में। नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सके, लेकिन नहीं ये तो मतलब एवरेज अच्छा ले सके यार। बट लॉन्ग ड्राइव पे आप जा सकते हैं YBR2 और YBR 125, YBR 150, ठीक है, और सुजुकी 150, इनमें आप जा सकते हैं यार। सही बात है। सो व्यूअर्स, आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खाली है, कौन सा बाइक, कौन सा ब्रांड आपके पास है और कौन सा ब्रांड आप लोगों को पसंद है तो भी हमें बता दीजिएगा। हाँ। लेकिन बजाज कैसा है, आप लोगों के पास कौन सा बाइक है? हाँ, बजाज सुना है बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है, मिस्टर बजाज वो तो उसका था यार, कसौटी जिंदगी की यार, उसमें मिस्टर बजाज था। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत फेवरेट की कम दोनों को दीजिए।